प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है टिप टिपुआ। हालांकि आप एक बार ये कहानी फिर से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम सब पाठों का फिर से रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक कर रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बछवा का कहानी सुनाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? एक बच्चों एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के एक पोता था, बेटे का बच्चा, उसको पोता कहते हैं। पोता रोज अपनी दादी से सोने से पहले एक कहानी सुनता था। दादी रोज उसको कई तरह की कहानियाँ, तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक बार बारिश हो रही थी और इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। पूरा गांव जो है बारिश से परेशान था। जो बुढ़िया दादी थी उनकी झोपड़ी में भी जगह जगह से पानी टपक रहा था। पर पोते को क्या मतलब, उसको क्या समझ में आया क्या परेशानी है? वो दादी से कहानी सुनाने के लिए जिद करने लगा। तो बुढ़िया दादी गुस्सा के बोली, झल्ला कर बोली, अरे बच्चे क्या कहानी सुनाए ये टिपटिपुआ से बच्चे तब ना। पानी बरस रहा था इसलिए दादी परेशान थी। तो बोली, टिपटिपुआ से अपना जान बचे तब ना हम तुमको कहानी सुनाए। पोता बैठ गया उठकर और पूछने लगा दादी से कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी खतरनाक होता है, उससे भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख के बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला कर दे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। पोता पूछता है दादी से, क्या ये टिपटिपुआ शेर बाघ से भी खतरनाक होता है? तो दादी छत से पानी जो टपक रहा था उसकी ओर देखते हुए बोली, हाँ हाँ बच्चा, शेर और बाघ से भी ज़्यादा टिपटिपुआ खतरनाक होता है। टिपटिपुआ से तो बहुत डर लगता है। तभी वहाँ पे एक शेर था, एक बाघ था, जो बेचारा बारिश से बचने के लिए बुढ़िया दादी के झोपड़ी के पीछे बैठा था। वो वैसे ही बारिश से घबराया हुआ था और बुढ़िया दादी की बात सुन के वो और डर गया। अब वो कहा, ये क्या टिपटिपुआ क्या चीज़ है, ज़रूर कोई बहुत बड़ा जानवर होगा। तभी वो शेर बाघ से भी ज़्यादा जो बुढ़िया दादी है वो टिपटिपुआ से डरती है। फिर कही ये वो टिपटिपुआ आके, शेर सोचा कहीं वो टिपटिपुआ आके मेरे ऊपर ना हमला कर दे, वो आए इससे पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ऐसा सोचा और तुरंत भाग गया वहाँ से। तो बच्चों कहानी के पहले भाग में बस इतना ही, आगे की कहानी हम दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।